तो देखा आपने ये वीडियो, अब समझे पूरा मामला। शादी में जमकर चले लात घूंसे। करेरा के एक मंदिर में हो रही शादी में अचानक बवाल कर गया, जहां 3-4 लोग लात घूंसों से जमकर मारपीट कर दी गई। पूरी लड़ाई का जड़ पता किया तो पता चला कि लड़की की मंदिर से शादी हो रही थी, उस लड़की ने 8 माह पूर्व एक अन्य युवक अखिलेश परिहार के साथ शादी की थी, लेकिन लड़की उस समय नाबालिग थी, जिससे लड़की पक्ष ने अखिलेश पर मामला दर्ज करवाकर उसे जेल भेज दिया था। तभी से अखिलेश जेल में ही है। वहीं मंदिर में हो रही दूसरी शादी की भनक जेल में बंद अखिलेश के चाचा साहब सिंह परिहार को लग गई, जिसके बाद वो मंदिर पहुंचा और लड़की पक्ष से अखिलेश के साथ हुई शादी को तोड़ने और उसे जेल से बाहर करवाने के बाद लड़की की दूसरी शादी करने वालों की बात करने लगा। इसी बीच नाराज होकर लड़की वालों ने साहब सिंह और उसके साथ आए लोगों की जमकर मारपीट कर दी। वहीं मंदिर में शादी करने आया वर पक्ष वधू को विदा कराकर अपने साथ ले गया। इधर करेरा पुलिस ने साहब सिंह परिहार की शिकायत पर मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अरे इतने से हैं चलो यार, तुझे हमारे मोहन बस सब कुछ कैसे खड़े हो? अरे यार एक कैसे खड़े हो? माला पकड़ो, माला पकड़ो दोनों हाथ से। वो फिर रहा हो गई, चलो तुम हो गए पकड़ो, देखो सामने चलो बस। क्या घटना हुई है? पहली शादी हुई थी मेरे भतीजे की। कब हुई थी? 8 महीना पहले। अच्छा, जब लड़की क्या नाबालिग थी? हाँ नाबालिग। फिर क्या हुआ? फिर क्या, लड़का को जेल करवा दिया। अच्छा, तो लड़का कितने साल कितने महीने से जेल में? 8 महीने। अच्छा, तो इसी केस में, नाबालिग के केस में? इसी केस में। अच्छा, और उस लड़की ने फिर दूसरी शादी कर ली। कहाँ पे? बगीचा में कर रहा। तो ये लड़की रहने वाली कहाँ की है? डोंगरी की। डोंगरी कहाँ पड़ता है? शादी बंद उत्तर प्रदेश में। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम शादी रुकवाने गए, या तो लड़का को बाहर करवाओ। हाँ हाँ। या फिर शादी रुको। हाँ, फिर तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। हाँ। ना तो लड़का को बाहर करवाएंगे ना शादी रुकेगी। अच्छा। हाँ। तो फिर आप थाने आए? हाँ सर, थाने।